जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। राठौर फैमिली ब्लॉग्स में ममता आपका स्वागत करती है। आज हम बनाएंगे वेज पफ, जिसे पफ पेटिस के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम बिना ओवन के कढ़ाई के अंदर फ्राई करके बनाएंगे। और ये खाने में बिल्कुल उसके जैसी ही लगती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और 2 कप मैदा लिया है। छन्नी के अंदर 2 कप मैदा डालेंगे और इसे छान लेंगे। छानने से मैदे के अंदर अगर कोई गुठलियां होंगी तो वो निकल जाएंगी। मैदे को छान करके रेडी कर लिया है और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पर वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटे को गूंद लेंगे। आटे को हमें ज्यादा नरम या सख्त नहीं गूंदना है, इसे हमें पूरी के आटे की तरह ही गूंद करके रेडी कर लेना है। तो आटे को हमने गूंद करके रेडी कर लिया है और अब इसे 2 से 3 मिनट तक मसल करके स्मूथ कर लेंगे। आटे को ढक करके 20 मिनट के लिए सेट होने देंगे और जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक पेटिस के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल डाल करके उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तेल गरम हो गया है, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे। चुटकी भर हींग डाल देंगे। एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप इसमें प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो इसी समय तेल के अंदर डाल करके प्याज लहसुन को भी भून लें। 1 कप हरी मटर ली है, उसे भी डाल देंगे। हरी मटर को हमने उबाल करके लिया है और अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर को भूनने से इसके अंदर का रहा हुआ पानी जल जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आएगा पेटिस के अंदर। हरी मटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है तो आप अपने हिसाब से करें। 3 आलू को उबाल करके हमने रफली क्रश कर लिया है तो उसे भी डाल देंगे और आलू को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू को भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी है तो अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमने आटे के अंदर भी डाला है तो आप यहाँ ध्यान से नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू में सभी मसालों को मिक्स कर दिया है तो अब इसके अंदर हम बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे। पेटिस के लिए स्टफिंग रेडी हो गया है और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आटे को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल को स्मूथ कर लेते हैं। और अब आटे से में से समान हिस्से में लोइयां तोड़ लेंगे। तो आटे में से लगभग 6 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं और इसे ढक देते हैं। तो अब हम
साटा तैयार करेंगे। उसके लिए बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या बटर भी ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा घी हम और डालेंगे। आटा थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घी और डाल देंगे। हमने यहाँ पर टोटल 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर 2 टेबलस्पून ही घी डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को हमें अच्छी तरह से फेंटना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे 2 मिनट तक फेंट करके इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आटे में से 1 लोई लेकर के उसे स्मूथ करेंगे। लोई को मैदे से डस्ट कर लेंगे और अब उसकी एक रोटी बेलेंगे। रोटी को यहाँ हमें जितना हो सके उतना पतला बेलना है। रोटी को बेल करके हमने तैयार कर लिया है और अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से बाकी की रोटियां भी बेल लेंगे। सभी रोटियों को बेल करके हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम पेटीज बनाएंगे। उसके लिए चॉपिंग बोर्ड पे एक रोटी सेट करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच साटा डालेंगे और हाथ से साटे को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। आप स्पैचुला से भी फैला सकते हैं लेकिन हाथ से अच्छी तरह से फैला सकते हैं। तो साटे को अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे और किनारों को अच्छी तरह से मैच करते हुए रोटी को सेट कर देंगे। इसके ऊपर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले साटे की लेयर लगाएंगे, मैदा स्प्रिंकल करेंगे और बाकी की सभी रोटियां इसी तरह से एक के बाद एक साटे की लेयर लगाएंगे, मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। सभी रोटियों को हमने सेट कर लिया है और अब इसको हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक टाइट रोल बनाएंगे। किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाकर उसे चिपका देंगे और रोल को गोल घुमाते हुए स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हैं रोल को हमने लंबा कर लिया है। किनारों को काट देंगे और रोल को समान हिस्सों में कट कर लेंगे 1 से 1.5 इंच के अंतर पे। रोल में से लगभग 14 से 15 पेटीज बनकर के तैयार होंगी। लोई को इस तरह से हमें तिरछा प्रेस करना है ताकि फ्राई करते हुए कढ़ाई के अंदर ये खुले नहीं। इसी तरह से सभी को तिरछा प्रेस करके हमने पेड़ा बना लिया है और अब एक पेड़े को लेकर के हम इसे बेलेंगे। हमने मीडियम साइज की पूरी जैसा बेल करके तैयार कर लिया है। चाकू से चारों तरफ से कट कर लेंगे और इसे चौकोर शेप देंगे। स्टफिंग को बीच में रखेंगे और उसे सेट कर देंगे। चारों किनारों पे पानी लगाएंगे। इसे किनारे आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब स्टफिंग को प्रेस करते हुए एक पल्ले को दूसरे पल्ले के ऊपर रखेंगे और किनारों को अच्छी तरह से चिपका देंगे। पेटीज तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और इसी तरह से हम सभी पेटीज को तैयार कर लेंगे। इधर हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल करके उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब पेटीज को फ्राई होने के लिए तेल के अंदर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। इसे हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। तो पेटीज को हमने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक
अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और अभी इसी तरह से हम सभी पेटिस को बना करके रेडी कर लेंगे। तो सभी पेटिस को बना के हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी लेयर्ड और क्रिस्पी बनी है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये कितनी खस्ता बनी है। और अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तैयार है वेज पफ पेटिस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी वेज पफ पेटिस कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।